हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुर अग्रवाल और ट्रेडर्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी गवर्नमेंट एक ऐसा डिसीजन लाया है, एक ऐसी पॉलिसी लेके आई है जिसके वजह से काफ़ी हद तक जो कंपनीज है उन्हें उनके सेल्स की स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा, उन्हें उनकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी बदलना पड़ेगा। तो ऐसी गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी है कि इतना बड़ा जो है इम्पैक्ट गिरने वाला है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं वो आपको पॉलिसी आपको थोड़ा सा एक ब्रीफिंग करके बताता हूँ, देन उसके बाद में इसके किस किस को फ़ायदा गिरेगा मैं आपको वो भी बताऊँगा। फ्रेंड्स, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी जो इंट्रोड्यूस करी है ये है ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। और यहाँ पर गवर्नमेंट का ये कहना है कि जो भी कंपनी जो है अपना प्रोडक्शन का 25% ही जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर सेल आउट कर सकती है। फ्रेंड्स, इसका ये मतलब है कि जो भी कंपनी है अगर 100 यूनिट्स अगर बनाती है प्रोडक्शन के अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ 25% ही उसका जो 25 यूनिट जो है वही सिर्फ ई कॉमर्स के वेबसाइट्स के थ्रू अपना सेल आउट कर सकती है, और बाकी का जो 75% जो उनके 75 यूनिट्स जो उनके बाकी जो रहते हैं ये उन्हें ओपन मार्केट के अंदर जाके सेल करना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, जब ये चीज़ हुई है तो इसका सीधा सीधा सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट गिरा है ये गिरा है लोकल मार्केट के ऊपर। अब यहाँ पर जो हम जैसे जो यंग जनरेशन है, जो बाकी के जो लोग हैं, ये लोग क्या करते थे कि हम लोग अपना मोबाइल उठाते थे, ऑर्डर प्लेस करते थे और हम लोगों को ऑनलाइन डिलीवर्ड आ जाता था। अब फ्रेंड्स, अगर आपको वही चीज़ आपको लोकल मार्केट के अंदर मिल जा रही है तो शायद से हम लोग भी ये चीज़ बदल दे कि हम लोग ऑनलाइन ना जाते हुए हम लोग ऑफलाइन मोड के अंदर जाए। अब इसके वजह से फ्रेंड्स ये होगा कि जो लोकल जो छोटा जो एक ट्रेडर है, जो छोटा दुकानदार है, इसके बिजनेस का जो ग्रोथ है वो और बढ़ेगा। शायद से इतना इम्पैक्ट ना करे लेकिन उसका जब सेलिंग के ऊपर 10-20% का जब इंक्रीमेंट भी अगर हो जाता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक छोटा ट्रेडर के लिए 20% बोले तो बहुत बड़ी चीज़ है। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर गवर्नमेंट ने पॉलिसी के अंदर एक और चीज़ ये इंक्लूड करी है कि आप जो है कोई भी वेबसाइट्स बिग डिस्काउंट या बिग डील कैशबैक ये नहीं दे सकती। अब फ्रेंड्स, ये जब होता है तब यहाँ पर से आप गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर ये चीज़ आती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा अगर मैं आपको रीज़न बताता हूँ या इसके पीछे का अगर आपको लॉजिक बताऊँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर से आपको प्राइस यूनिफॉर्मिलिटी हो जाएगी। अब आप जो चीज़ ऑनलाइन अगर आप कोई चीज़ अगर आप 100 रुपये में परचेस कर रहे हो तो आपको ऑफलाइन के अंदर भी जो ओपन मार्केट है यहाँ पर भी आपको वो चीज़ जो है प्रॉबेबली 100 रुपीज़ में ही मिलेगी। 1-2% का फर्क गिरेगा, डेट्स बिकॉज ऑफ कोई स्टेट्स के अंदर GST के स्लैब्स वगैरह अलग अलग होते हैं। अब ये चीज़ के वजह से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि जो छोटा दुकानदार है उसको इम्पैक्ट गिरेगा और जो बाकी की जो कंपनीज हैं उनको ये चीज़ बहुत मैटर करने वाली है, क्योंकि अब जो बहुत सी ऐसी कंपनीज थी वो डायरेक्टली ऑनलाइन आके सेलिंग करती थी, लेकिन अब वहाँ पर उनको रिस्ट्रिक्शन आ चुका है, अब उनको भी जाके ऑफलाइन के अंदर मार्केटिंग करना है। बहुत सी कंपनीज क्या करती थी, हाँ हमारा प्रोडक्शन हो गया, शॉप्स वगैरह हम लोगों को ढूंढना नहीं है, मार्केटिंग वगैरह हमारे को कुछ सिर्फ ऑनलाइन करनी है और शॉपकीपर्स के साथ में हमारे को दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ हम लोगों को ऑनलाइन जाओ सेल करो काम खत्म। लेकिन अब ऐसी कंपनीज को ऑफलाइन में भी जाके मार्केटिंग करना पड़ेगा, ऑफलाइन के अंदर कस्टमर्स ढूंढना पड़ेगा, ऑफलाइन में जाके रिटेलर्स ढूंढना पड़ेगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है पुराना जो हम लोगों का जो ट्रेडिशन है मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, एंड यूज़र, ये अब वापस से चेंज जो है ये वापस से फॉर्म हो चुकी है। नहीं तो पहले क्या हो रहा था, मैन्युफैक्चरर, ऑनलाइन सेलर और डायरेक्ट एंड यूज़र। इसके वजह से क्या हो रहा था कि बहुत से जो छोटे ट्रेडर्स है ये उनके ऊपर इम्पैक्ट गिर रहा था। अब फ्रेंड्स, इसके पीछे का गवर्नमेंट ये चीज़ करी है, ये पॉलिसी लेके आई है, इसके पीछे के मेरे को 2 रीज़न समझ में आते हैं। सबसे बड़ा जो रीज़न जो मुझे समझ में आता है कि यहाँ पर जो है लोकल ट्रेडर्स, जो छोटे छोटे जो ट्रेडर्स है, ये लोगों की यूनियंस के वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज आ चुका था कि अब उन्हें ये डिसीजन लेना था, और ये डिसीजन लेना उनको कंपलसरी इसके लिए भी हो गया क्योंकि अब आने वाले साल जो है अब ये इलेक्शन होने वाले हैं, और अगर छोटा ट्रेडर ही अगर इसके अंदर अगर भुगतता है या प्रॉब्लम देता है तो गवर्नमेंट को अपने वोट्स बैंक्स भी बचाना है। लेकिन ये वोट बैंक्स बचाने से ज़्यादा ये छोटे ट्रेडर्स जो है यहाँ पर वो बच रहे हैं, गवर्नमेंट को ये चीज़ की ज़्यादा खुशी होने वाली है। और फ्रेंड्स, इसके बाद में मेरे को जो सबसे बड़ी एक जो चीज़ जो समझ में आ रही है वो ये है कि अगर कोई भी वेबसाइट्स जो है
वो अपना बिलिंग जो करती है ये किसी एक स्टेट के अंदर करती है, और ये एक स्टेट के हो रहा है ऐसा था फ्रेंड्स कि यहाँ पर वो एक स्टेट के अंदर बिलिंग करने की वजह से वो एक स्टेट का रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट हो रहा था और बाकी के जो स्टेट्स है वहाँ पर रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था। और जब GST एक्ट पास हुआ था तो यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रॉमिस किया था कि हम लोग जो भी है, जो भी स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस हो रहा है, हम लोग अगले 5 साल तक हम लोग आपको रीपेमेंट करेंगे। अब जब ऐसा होने के बाद में फ्रेंड्स क्या हो गया, छोटे छोटे जो ट्रेडर्स है वो नुकसान में गए, और वो जब छोटे ट्रेडर्स नुकसान में जाते हैं तो यहाँ पर डायरेक्टली वैट कलेक्शन, GST कलेक्शन के अंदर प्रॉब्लम होगा। और जब ये चीज़ का प्रॉब्लम होने वाला है तो उसके अंदर का जो रेवेन्यू लॉस है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को पूरा कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, और ये कॉम्पनसेट ना करे इसके लिए गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी इंक्लूड करी है। अब फ्रेंड्स ये अपने अपने तरीके से अपना अपना सोचना है, ये मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू लॉस रिकवर करने के लिए ये चीज़ पॉलिसी लेके आई है। इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन गिरता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब फ्रेंड्स इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक और चीज़ ये कहा है कि अब यहाँ पर से जो भी कंपनी एक्सक्लूसिव डील्स जो लेके आती थी या एक्सक्लूसिव व्यू जो लेके आती थी अब वो भी बंद हो चुकी है। अब फ्रेंड्स बहुत से ऐसे कंपनीज थे वो कहते थे एक्सक्लूसिवली ऑन सो एंड सो वेबसाइट, एक्सक्लूसिवली ऑन सो एंड सो वेबसाइट। अब ये जो कंपनीज है वो एक्सक्लूसिवली वेबसाइट्स के ऊपर लॉन्च नहीं कर सकती, अब उन्हें ऑफलाइन के अंदर भी लॉन्च करना है वही प्रोडक्ट और ऑनलाइन के अंदर भी लॉन्च करना है। अब इसको मॉनिटरिंग करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप जो भी कंपनी है उसको उसका पूरा स्टॉक ऑडिट हर साल के 30 सितंबर को पूरे जो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर है वो RBI के पास में पूरा सबमिट करना है। अब फ्रेंड्स जब इतना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आ चुका है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई कंपनी इतना ज़्यादा रिस्क लेगी कि वो जाके अपने प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन सेल करे। ये पॉलिसी के ऊपर आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके भी कुछ प्रश्न रहेंगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करिए, मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपके भी कुछ प्रश्न हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं आपको आपके प्रश्नों का सही से जवाब दे सकूँ। मेरे अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।